वेल दोस्तों, आपको बता दें कि अभी हाल ही में जया बच्चन ने सांसद में कुछ ऐसी बातें कही जिसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो बॉलीवुड ड्रग माफिया को छिपाना चाहती है। वहीं पर आपको बता दें कि जया बच्चन के इस बयान के बाद हर कोई उनको काफी खरी खोटी सुना रहा था। जो अब तक इतने बड़े बड़े मुद्दों पर चुप बैठी थी, वो अचानक से ड्रग माफियाओं को बचाने के लिए क्यों बोल पड़ी। वहीं आपको बता दें, उसके बाद ही उनकी बेटी श्वेता के बारे में काफी उड़ती उड़ती खबरें आ रही थी कि श्वेता काफी नशे में धुत थी, जिस दौरान उनकी तस्वीरें वायरल हुई। आपको बता दें कि हम लोगों ने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जिन तस्वीरों पर वो नशे में धुत दिखाई दे रही थी। इसी के चलते अब जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की भी काली करतूत सामने आ गई है। चलिए आपको बताते हैं उनकी काली करतूत के बारे में। आपको बता दें, जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि दिशा सालियान की बिल्डिंग के इम्तियाज अख्तर, वो बिल्डिंग बिल्डर थे। वहीं आपको बता दें, इम्तियाज अख्तर जो कि अभिषेक बच्चन के काफी करीबी दोस्त थे, जिससे ये माना जा रहा है कि उनको बचाने के लिए जया बच्चन आगे आई है। आपको बता दें कि इम्तियाज अख्तर जो कि अभिषेक बच्चन के काफी करीबी दोस्त हैं, माना जाता है कि वो उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, वो उनके साथ पार्टीज में मौजूद होते हैं। उस दिन दिशा सालियान की बिल्डिंग में वो भी पार्टी में मौजूद थे और उनको सारा सच पता है। उसी दौरान सबसे बड़ा सवाल उठता है, जो अब तक चुप बैठी रही वो एकदम से कैसे अपनी बयानबाजी कर रही हैं, वो कैसे बोल रही हैं। माना जा रहा है कि इम्तियाज खत्री भी इस गुनेगारों में मौजूद हैं। वहीं पर आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन इम्तियाज अली के बचपन के दोस्त भी माने जा रहे हैं। जिस तरह से जया बच्चन बॉलीवुड ड्रग गैंग को बचाने की कोशिश कर रही है, उन्होंने मुहिम चला दी है, हर कोई जया बच्चन को बॉलीवुड में सपोर्ट कर रहा है, इससे तो यही लग रहा है कि वो कुछ छुपाना चाहती है। वहीं पर उनकी बेटी की नशे के धुत में तस्वीरें भी काफी वायरल हो रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि जनता द्वारा जया बच्चन को काफी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अभिषेक बच्चन की इम्तियाज खत्री के साथ काफी पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, जिसमें वो लोग पार्टी करते हुए दिख रहे हैं, जिसके चलते इन बातों को माना जा रहा है कि इम्तियाज खत्री का भी दिशा सालियान की मौत से कोई ना कोई लेना देना जरूर है। वहीं बता दें कि इम्तियाज खत्री दिशा सालियान की पार्टी पर भी मौजूद थे और माना ये तक जा रहा है कि दिशा सालियान का रेप हुआ था। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़, और मैं हूँ आपके साथ साथिका कौर।